नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विजडम साइक्लोन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इंडियन टेक कंपनी मीवी ने अपना एक और नया TWS ईयरबड्स कर दिया है अनाउंस, जिसका नाम है मीवी डुओ बॉड्स A350। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें A350 के लुक्स और डिजाइन और इसके फिजिकल फीचर्स की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये ट्रूली वायरलेस स्टीरियो यानी TWS ईयरबड्स होने वाले हैं। सो गाइस, आप देख पा रहे हैं ईयरबड्स का जो डिजाइन है, यहाँ प्रॉपर इन ईयर नहीं बल्कि हाफ इन ईयर दिया है इस बार मीवी ने, जो कि काफी टाइम बाद देखने को मिल रहा है मीवी के इन ईयरबड्स में। यानी इन ईयरबड्स के साथ आपको ईयर टिप्स एडिशनल नहीं मिलने वाले, आपको इन्हें ऐसे ही पहनना पड़ेगा क्योंकि इनका सिस्टम और डिजाइन ही ऐसा है। इसके अलावा ईयरबड्स में आप एक लंबी सी नेक देख पा रहे हैं जो कि टच सेंसिटिव होने वाली है। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं और यहीं से आप कंट्रोल कर पाएंगे, यही इसका कंट्रोल पैनल होने वाला है। ऑल्दो हाफ इन ईयर डिजाइन होने के बाद भी कंपनी क्लेम करती है कि इनकी फिटिंग आपके कानों में जबरदस्त होने वाली है। आप अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं जिनमें आपकी बॉडीली मूवमेंट शामिल होंगी, फिर भी ये आपके कानों से आसानी से बाहर नहीं निकलने वाले। जहां तक बात है इसके केस के डिजाइन की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से बंद करने पे ये राउंड डिजाइन ले लेता है और इसके फ्रंट में आपको मीवी कंपनी का लोगो का डिजाइन मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको 4 बैटरी इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। लुक्स और डिजाइन के बाद दोस्तों, आइए अब बात करते हैं 350 के कुछ म्यूजिक फीचर्स की। तो सबसे पहले बता दूं आपको, इसमें काफी लार्ज डायनामिक ड्राइवर्स मिल रहे हैं 13 mm के, यानी बेस काफी आपको इसमें तगड़ा सुनने को मिलने वाला है। जहां तक बात है इनके थ्रू कॉलिंग एक्सपीरियंस की, तो वो भी काफी डिसेंट रहने वाली है एवरेज कैटेगरी की, क्योंकि आपको इसमें भले ही एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन या फिर ENC का फीचर नहीं मिलता, लेकिन दोनों ही ईयरबड्स में एक एक MEMS टेक्नोलॉजी वाले माइक जरूर मिल जाते हैं, जो कि नॉइस को रिड्यूस काफी हद तक कर देते हैं और कॉलिंग क्वालिटी को बेटर बनाते हैं। इनके बाद दोस्तों, अब बात करें इसके बैटरी लाइफ की, तो वंस अगेन मीवी हैट्स ऑफ टू यू, वंस अगेन उन्होंने बहुत ही तगड़ा काम किया है, क्योंकि आपको इसमें कंबाइंड प्लेबैक टाइम जो मिल जाता है वो है करीब करीब 50 घंटों तक का, जबकि ईयरबड्स की सिंगल बात करें तो करीब करीब 8.5 घंटे तक का प्लेबैक टाइम इनमें आपको मिल जाएगा। जबरदस्त बैटरी लाइफ के साथ साथ अगर एक ठीक ठाक फास्ट चार्जिंग भी मिल जाए तो क्या ही कहना, और आपको यहाँ ठीक ठाक नहीं बल्कि एक अच्छी कैटेगरी का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है, क्योंकि आपको इसे बस 10 मिनट चार्ज करना है और उतने ही टाइमिंग में आपको मिल जाएगा करीब करीब 10 घंटों तक का प्लेबैक टाइम। इसके बाद दोस्तों, बात करूं इनके कलर ऑप्शंस की, तो मीवी A350 आपको 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 अलग अलग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होंगे। लेकिन दोस्तों, जहां तक बात है वाटर से प्रोटेक्शन की, तो इसके रिगार्डिंग कंपनी ने कुछ भी अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको अश्योर कर दूं कि कम से कम आपको स्वेट प्रूफ तो ये मिलेंगे ही, यानी IPX4 या X5 रेटिंग आपको इसके में मिल जाएगी। सो गाइस, ओवरऑल बात करें तो मीवी डुओ बॉड्स A350 एक कॉम्बो होने वाला है दमदार प्लेबैक टाइम और कमाल के म्यूजिक फीचर्स का। यहाँ आपको एडिशनल फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया ये पैक होने वाला है एक ईयरबड का। जहां तक बात है इसके प्राइसिंग की, तो कंपनी ने अभी तक रिवील तो नहीं किया है ऑफिशियली, पर ये होने वाला है करीब करीब 1000 के आसपास। तो दोस्तों, अगर आपको तलाश है एक ऐसे ईयरबड्स की जो कि बजट में आए और सारे फीचर्स भी लाए, तो ये आपका बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी और पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहेंगे।